गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद आज फिर से वापस चैनल पर वापस वीडियो अपलोड करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि दैट इज क्लासेस ऑफलाइन शुरू होने के बाद मैं ऑनलाइन पर क्लास नहीं ले पा रहा था, मतलब किसी भी ढंग से किसी भी कारण से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। ठीक, और क्लासेस होने का सबसे बड़ी रीजन कि आदमी कहीं ना कहीं ऑफलाइन वाले पार्ट में बिजी हुआ। ठीक है, बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, स्टूडेंट्स बार बार कॉल कर रहे थे इस कारण से। ठीक है, और नो डाउट कहीं ना कहीं पर ये बात दिमाग में तो रहती ही है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं अपने आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहे हैं। ठीक, जो पहले निकल गए, जो पहले पास आउट हो गए, जो अच्छे कॉलेजेस में पहुंच गए, वो सभी अपने अपने जगह पर अब सेटल्ड है, है ना। उनके छोटे भाई बंधु जिन्होंने कम्युनिकेट किया मुझसे और मुझसे ये प्रयास रखा कि सर आप अपना वीडियो अपलोड करें, है ना, तो ठीक है, अब जब जब से टाइम मिला और प्रयास करूंगा कि अब रेगुलर रहूं। ठीक है, तो आज वाले पोर्शन में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना, फर्स्ट टॉपिक, कि बहुत दिनों से चीजें इधर उधर थी तो फर्स्ट टॉपिक ही शुरू करें, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, यानी टू डायमेंशनल मोशन की बात करना शुरू करते हैं, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करें, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, था क्या ये सोचो, टू डायमेंशनल तो वन डायमेंशन वाले पार्ट से और चेक करोगे तो हम लोगों ने पढ़ रखा था एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन, यानी रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी, ये दो बातें थी, है ना। और ये दोनों चीजें जब कंबाइंड हो एक साथ वर्किंग में आ जाए, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग का मोशन और वाई एक्सिस के अलोंग का मोशन को, और जो एक साथ एक ही प्लेन में करना शुरू कर दें, एक साथ एक ही प्लेन में करना शुरू कर दें, ठीक है, तो वही सेक्शन हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली प्रोजेक्टाइल है क्या? प्रोजेक्टाइल वाले पोर्शन में ऐसे सोचो कि किसी भी पार्टिकल को ऑब्लिक्यूली फेंका जाए, ऑब्लिक्यूली। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ऑब्लिक्यूली फेंका जाए। पहले क्या था, हम एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे फेंक रहे थे, यू फेंक रहे थे ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग क्या था, यहां से पकड़े ऊपर फेंके, क्लियर, समझ में आया। ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे, वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे, क्लियर। अब हम लोगों ने क्या करना शुरू किया कि इसे किसी एंगल पे फेंकना शुरू किया, किसी आर्बिट्री एंगल पर, क्या जो बोले क्लियर है। अब हम जो फेंकेंगे वो किसी आर्बिट्री एंगल पर फेंकेंगे और इसी सेक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक्यूली मोशन, ऑब्लिक्यूली, क्लियर। ठीक है, तो चेक करो इस वाले पोर्शन में क्या, ये वाला पार्ट अपने तरफ से माने वाई एक्सिस है, ये सेक्शन एक्स एक्सिस, किसी पार्टिकल को ऑरिजिन से, और मैंने पहले ही राय दे रखा था जब भी वन डायमेंशन पढ़ाया हो, ठीक, मैंने ये कह रखा है कि दैट इज ऑब्जर्वर हमेशा ऑरिजिन पर होगा और क्वेश्चन में बॉल या किसी भी पार्टिकल को किसी दूसरे को नहीं फेंकने देना है, क्लियर। जब फेंकोगे आप खुद फेंकोगे और जहां आप खड़े रहोगे वही ऑरिजिन होगा, क्लियर। ये बात दिमाग में फिट कर ले, कसम खा ले, ठीक है, कि बॉल किसी दूसरे को नहीं फेंकने देना है, पहला बात। ठीक है, दूसरा, बॉल जब भी फेंकोगे आप फेंकोगे, आप जब भी खड़े रहोगे ऑरिजिन पर खड़े रहोगे, क्लियर है। तो बॉल आप कहां से फेंक रहे हो, यहां से, यानी ऐसे ऑब्जर्वर आप कहां हो, ऑरिजिन पर हो, क्लियर। और ये वाले पार्ट को आपने यू वेलोसिटी से फेंका होगा, ये पर्टिकुलर एंगल थीटा, क्लियर। तो ये पार्टिकल कैसे जा रहा होगा, कुछ ऐसे जाएगा, क्लियर। वेरी वेरी गुड, जब तुमने फेंका होगा उस टाइम पे टाइम क्या होगा, जीरो सेकेंड। जब ये कहीं गिरा होगा, कहीं गिरा होगा, ठीक,
एक्स, तो ये वाला टाइम होगा कैपिटल टी सेकेंड। ठीक है, जिस सेक्शन को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, जब पूरे सिस्टम का मोशन बंद हो जाए, कंप्लीट खत्म। ठीक है, तो वो पूरा जर्नी यहां से यहां तक चलने में जो टाइम लगा होगा उस सेक्शन को हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? लेकिन क्या पार्टिकल किसी टाइम टी पर यहां भी होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर यहां भी होगा? ठीक, तो जब ऑब्जर्वर वेरीफाई कर रहा होगा, देख रहा होगा, है ना, तो वो क्या होगा, ये वाला पार्ट उस पर्टिकुलर टाइम का पोजीशन वेक्टर होगा, है ना। और इसी पॉइंट पर अगर जो हम लोग वेलोसिटी वेक्टर डिफाइन करें तो वेलोसिटी वेक्टर कैसा होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा होगा। क्लियर? ठीक है, अब सोचो इस सेक्शन में जिस पॉइंट पे ये था उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कॉमा वाई, यानी ये वाई होगा और यहां से यहां तक एक्स होगा। ठीक है, चेक करो, अब ये वाला पोर्शन यू है, ये थीटा है, तो इसका इधर का कंपोनेंट क्या होगा एक्स एक्सिस के अलावा का, क्या इसे हम लोग यू कॉस थीटा लिख सकते हैं, इधर के कंपोनेंट को क्या लिख सकते हो यू वाई, और ये वाला पार्ट क्या यू साइन थीटा होगा। क्लियर है? ठीक है, वेरी वेरी गुड। हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा एक्स एक्सिस। क्लियर, ये वाला पोर्शन यू एक्स की वैल्यू या क्या होगा यू कॉस थीटा, और ए एक्स की वैल्यू जीरो। वैसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, ठीक, तो वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा पार्ट वाई एक्सिस, इस वाले पार्ट में यू वाई क्या लिखोगे यू साइन थीटा, और ए वाई क्या होगा ऑलवेज माइनस। ठीक है, शायद मैंने आप लोगों को मोशन अंडर ग्रेविटी में ये बात की बताया भी है, क्लियर, कि कोई भी पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में जाए दिमाग में बिठा लो कि वो ऑलवेज माइनस जी होगा। ठीक, उसके लिए अलग से कोई स्पेसिफाइड वे में काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, यहां एक बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्या, मैंने ए वाई तो माइनस जी लिखा, ए एक्स जीरो क्यू, ए एक्स जीरो क्यू, क्लियर, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्यू नहीं है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे सभी लोग, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन आने के लिए हम लोग जो एक्सेलरेशन लगाएंगे, ठीक है, उस टाइम पे हमारे बॉडी का कांटेक्ट, यानी ऑब्जर्वर के बॉडी का कांटेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, ऑब्जर्वर के बॉडी का कांटेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ होना ही चाहिए। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है। मान लो कि मैं तुम्हें धक्का दू, ठीक, तो मैं तुम्हें धक्का दूंगा, इट मीन्स फोर्स लगा रहा हूं, है ना, फोर्स लगा रहा हूं, तो तुम्हारा मास है भाई, ठीक, तो फोर्स डिवाइड बाई एम, यानी फोर्स डिवाइड बाई मास, क्या एक्सेलरेशन होगा। क्लियर, लेकिन मान लो अब तुम खड़ा है, तुमको एक लात खींच के मार दे, ठीक, तो क्या तुम्हारे साथ हम परमानेंटली कॉन्टेक्ट में रहेंगे, इम्पॉसिबल है भाई। ठीक, क्यों, कोई बंदा आया है ये लात खींच के मार दे, ठीक, या धक्का दे रही हूं जर यू, ठीक है, तो जैसे ही जर्क देगा तो उसका कांटेक्ट तुम्हारे बॉडी से छूट जाएगा। क्लियर, धक्का देना मतलब कि यू फोर्स करना, पुश करना, और धक्का देना, जर्क लगाना, ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर, जर्क लगाएंगे तो अचानक एक बहुत बड़ा फोर्स डेवलप होगा,
ठीक, लेकिन ऑब्जर्वर का हाथ या पैर लात मारे चाहे हाथ मारे कुछ हो मारे, क्लियर, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ उसका कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्लियर। तो तू पूछ सकता है सर ए वाई माइनस जी का है, ऑप्शन है ए वाई माइनस जी क्यू, क्लियर। तो ए वाई माइनस जी इसलिए कि जितनी सारी यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, यूनिवर्सल फोर्सेस जो आगे चल करके हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के नाम से, जनरली कंजर्वेटिव यूनिवर्सल फोर्सेस तो कंजर्वेटिव फोर्स ही है, ठीक, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो आएंगे फिक्स्ड है, कंजर्वेटिव ही होगा, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, तीसरा मैग्नेटिक हो गया। तुम नहीं भी कहेगा तो भी लगेगा, क्या जो बोले क्लियर है, तुम नहीं भी कहोगे तो भी लगेगा, ठीक। तो जैसे मान लो अब ये वाला पार्ट है, अब इसको हम ऊपर से छोड़ दें तो किसके कारण गिरा, जी के कारण नीचे गिरा, थोड़े कहीं और ऊपर से आ गया, हम थोड़े बोले थे कि तू नीचे गिर, हम तो पकड़ रखे थे इसे यार, ठीक है, हमको कोई किसी ने बुला लिया, गौरव सर इधर आइए, ठीक। अब इस सामान को यही रख दिए, अब रखना था हम रख के गिर गया नीचे, तो किसके कारण गिरा, जी के कारण, क्लियर, यूनिवर्सल है, हम नहीं भी कहेंगे तो भी लगेगा, क्लियर है ये, ठीक। तो चलो अब इसमें आगे की थ्योरी पर बात करें। एक्स जीरो क्यों, क्योंकि तुमने बॉल को फेंक दिया, छोड़ दिया, तुम्हारा कांटेक्ट छूट गया, तो कांटेक्ट छूट गया तो एक्स जीरो। ए वाई माइनस जी क्यू रीजन, सीधा सीधा यूनिवर्सल फोर्सेस ऑलवेज लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो एमजी नीचे लगेगा ना भाई, इस कारण से लग रहा, ठीक है। चलिए इसमें फर्दर क्या स्टार्ट करें हम लोग, टॉपिक वाइज, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट और बिल्कुल क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल एट एनी टाइम टी, ठीक, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, आर, यही तो था, तो इसको क्या लिखेगा, इसको लिख सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब एक्स में क्या होता, एक्स में सीधा सीधा क्या ये वाला पोर्शन यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आई कैप, फिर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर जे कैप। यू एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते थे, यू कॉस थीटा, यहां से देख लिखता जा, यू कॉस थीटा टी, ए एक्स की वैल्यू तो जीरो है भाई, ठीक, ए एक्स की वैल्यू जीरो, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन सीधा सीधा आई कैप, यू वाई क्या है भाई, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। फर्दर क्या यूज करते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, ठीक, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या, वी सोचो, और वी को क्या लिख सकते हो, वी एक्स प्लस वी वाई, क्लियर, वेरीफाई करो भाई, क्या इस वाले पोर्शन में इस वेलोसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट तो हो ही सकता है, एक कंपोनेंट भाई एक्स एक्सिस के अलावा आएगा दैट इज वी एक्स, ठीक, और इसी का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसे मैं नीचे की तरफ दे रहा हूं दैट इज वी वाई, ठीक। तो वी एक्स क्या होता था याद है, वी एक्स या एक्स एक्सिस के अलावा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो करते हैं ना भाई, यू एक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप, और ये वाला पार्ट यू वाई प्लस ए वाई टी जे कैप, क्लियर। यू एक्स की वैल्यू क्या था, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, ए एक्स की वैल्यू
जीरो, ठीक। तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी डी जे के, क्लियर, ठीक है। देखिए अब ये दोनों चीजें तो ध्यान रखो, ठीक है, कि मान ले तुम्हारा पोजीशन वेक्टर क्या था, वेरीफाई करो, पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए, तो चेक करो क्या u cos theta कांस्टेंट, dt by dt का डिफ्रेंशिएशन 1, तो चेक कर यहां u cos theta आया, u sin theta कांस्टेंट बाहर निकाल ले, dt by dt का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक, यहां u sin theta आया, 1 डिवाइड बाई 2g कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, ठीक, तो t ने t को मार दी, सॉरी 2 ने 2 को मार दिया, t t कहां मर रहा है, ठीक, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 2 मर गया, अरे हाँ ना, क्लियर, तो यहां पर डेटा क्या होता, माइनस gt, क्लियर, तो ये वाला पोर्शन u cos theta u sin theta माइनस gt, ठीक, क्लियर। अब ये सब जो बात है, ठीक, ये सब थियोरोलॉजी वाला बात है, ठीक है, डायरेक्टली है ना, ये किस क्वेश्चन में कैसे आ जाएगा नहीं आ जाएगा कोई पता नहीं, क्लियर, ठीक है, लेकिन इसके बिना कोई क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, ये भी पक्का है, समझ में आया, कुछ चीजों को लोग रट लेते हैं आगे चल करके, ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को न रटो है ना तो बहुत आगे निकल जाओगे, समझ में आया, हाँ लॉजिक पे काम करोगे तो ये सारी चीजें आसान रहेगी। मैंने क्या कहा, इस वाले पोर्शन में पोजीशन वेक्टर की वैल्यू ये, वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू ये। अब कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूं जो कि लोग जनरली बोल के तो निकल जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें फॉर्मूला बेस्ड नहीं बनना है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं बनना है, जो बोलू उसे दिमाग में बिठा लो, कसम खा लो यही होना है, क्लियर है, ठीक है, चल देखते हैं, फिगर जो रखता हूं, फिगर की जरूरत है, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना थोड़ा, चल लिख लिया होगा। अब यहां से जो जो पॉइंट्स मैं बोलता जाऊं टॉपिक वाइज, ठीक है, उसके लिए गांठ बांध लो, कसम खा लो यही करना है और कुछ नहीं करना है, क्लियर, तो कुछ नहीं करना है, कसम खा लो, क्लियर, चेक कर। एक और क्वेश्चन होगा, टॉपिक तो मैं लिख ही दे रहा है ना, तो चीजों को ध्यान रखने का प्रयास करो, नेक्स्ट आपको पूछा ये जा सकता है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, क्लियर, यानी पार्टिकल को कहां से कहां तक पहुंचने के लिए बात की जा रही, पार्टिकल को बोला जा रहा कि यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा होगा, अब ये वाली हाइट मैक्सिमम हाइट है जिसको मैं एच से दिखा रहा हूं, क्लियर, कि टाइम टेकन टू रीच द पार्टिकल मैक्सिमम हाइट, क्लियर, तो दिमाग में बिठा लो, अगर जो मैक्सिमम हाइट पर किसी भी पार्टिकल को जाना है और उसमें टाइम पूछे, टाइम पूछे, मैक्सिमम हाइट पर किसी भी पार्टिकल को जाना है और उस पर टाइम पूछे, तो वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो करेंगे, यानी वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस
एवाईटी वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो करेंगे, यानी टॉप मोस्ट पोजिशन पे जीरो यू माइनस जी टी, यानी टी की वैल्यू कितना यू डिवाइड बाई जी। इसी सेक्शन को किताबी लैंग्वेज में बोला जाता है टाइम ऑफ एसेंट। ठीक, टाइम ऑफ एसेंट, कहीं कहीं पर टी भी लिखता है, कहीं पर टी भी लिखता है, चलो लिख देता हूं, जनरली एसेंट ही मिलेगा, टी नहीं लिखता, एसेंट। क्लियर, कलेक्ट कर रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैक्सिमम हाइट। तो चेक करो, एक क्वेश्चन था टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो वी वाई की वैल्यू वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो करेंगे, इसमें भी वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो करेंगे, इस हाइट तक जाने में कितना हाइट चला, ठीक है, तो इसमें भी वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो करेंगे, लेकिन इसमें जो बेसिक फॉर्मूले का यूज करेंगे वो कौन सा होगा, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर टू ए वाई इन टू वाई। तो यहां कुछ नहीं, ए वाई मतलब एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो सोचो, जब टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंचा तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए जीरो, तो कर लेना यार जीरो। यू वाई क्या है चेक करो, क्या यू वाई यू साइन थीटा वैल्यू पुट किया जाए, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच। क्लियर, अब मैंने माइनस क्यू लगाया, ए वाई की वैल्यू माइनस जी, वाई की वैल्यू मैंने कैपिटल एच क्यू लिखा, चेक करो क्या ये ग्राउंड के लेवल से ऊपर है, ग्राउंड के लेवल से ऊपर यानी हाइट एच, पॉजिटिव एच। ठीक, यानी एच की वैल्यू क्या होता, क्या एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी होता। क्लियर है। ठीक, एक चीज और सोचो, अगर जो एच मैक्सिमम निकालना हो, एच मैक्सिमम, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 डिग्री, यानी ये डेटा क्या हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। लेकिन साथ साथ एक और लॉजिक बोल रहा हूं, एक और लॉजिक, यू वाई स्क्वायर इसे लिखा जा सकता था और इसे टू ए वाई लिखा जा सकता था। एक बात कह रहा हूं, ये फॉर्मूला तो बार बार बदलेगा लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। क्लियर, ये बार बार बदल सकता है लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। क्या जो बोले क्लियर है, समझ में आ रहा बात, चलिए लिखे इसे जल्दी, वीडियो पॉज कर लिखे। चल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज हमको बोल दे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या देता निकालने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर जो कहते हैं निकालने के लिए, तो क्या करोगे, यहां से यहां तक पार्टिकल गिरा, ठीक है, तो दिमाग में बिठा लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक, अब चेक करो, ये यहां से गया और यहां गिरा, तो ये डेटा क्या, y की वैल्यू जीरो। ठीक, अब यू वाई क्या है, u साइन थीटा, टाइम क्या हो गया कैपिटल t, क्या ये वाला पोर्शन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर किया जाए। क्लियर, चेक करो, टी और टी तो कॉमन लोगे तो मर जाएगा, यानी टी की वैल्यू कितना होता, टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक, फिर चेक करो,
इस सेक्शन को क्या लिख सकता था, 2uy डिवाइडेड बाई ए वाई। क्लियर? सब कुछ तो चेंज हो सकता है, सब कुछ, ये नहीं बदलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, वैसे मान लीजिए टाइम मैक्सिमम चाहिए होता तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यानी 2u/g। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और, दैट इज आपसे पूछेगा रेंज। ठीक, तो रेंज कौन सा बता रहा हूं, ये एक्स एक्सिस में जो चला गया उस सेक्शन को आप बोलोगे आर। ठीक, और यही सेक्शन कहलाएगा आपका रेंज। क्लियर? तो चेक करो इस वाले पोर्शन में क्या, रेंज। क्लियर? तो वही वही करो, रेंज किस डायरेक्शन में गया, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स लिखना, एक्स का डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स की वैल्यू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स क्या था, यू कॉस थीटा, इसे आर लिख देते हैं। क्या ये वाला पोर्शन कैपिटल टी होना चाहिए, कैपिटल टी, और ए एक्स की वैल्यू जीरो, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाता, u cos थीटा, t की वैल्यू क्या, ये वाला पोर्शन 2u sin थीटा by g, इसे तो ऐसा लिख सकते थे। हाँ या ना, चेक करो इस सेक्शन को हम लोग 2ux 2uy और डिवाइड बाई ए वाई, फिर ये बदलेगा लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। क्लियर? ठीक है, अब r की वैल्यू u इंटू यू, क्या यू स्क्वायर लिख सकते थे? ठीक है, चेक करो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या साइन 2 थीटा लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई जी। क्लियर? अब फिर वही कहानी कि अगर जो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए। अरे हाँ ना, ठीक, तो 45 डिग्री यानी कहने का मतलब क्या, 45 डिग्री यानी ये 90 डिग्री यानी ये वाली वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी। अरे हाँ ना, क्लियर, लेकिन बुद्धि लगाएगा, भगवान बुद्धि दिए होंगे तो। ठीक, एक अच्छी बात सोचो, फील करो, फील, एच मैक्सिमम की वैल्यू कितना था, क्वेश्चन पूछूंगा इससे आगे, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और आर मैक्सिमम का वैल्यू कितना आया, यू स्क्वायर बाई जी आया। क्लियर? अच्छा, तो अगर जो मैं मेरी औकात 10 मीटर फेंकने की है किसी बॉल को, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम रेंज उसकी 10 मीटर है, क्लियर, तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मतलब मीनिंग ये, मैं 10 मीटर, ठीक, तो इसको कितना हम ऊपर तक हम फेंक सकते हैं, कितना ऊपर तक, सोच के देखो, रेंज की वैल्यू 10 मीटर, ठीक, तो हाइट मैक्सिमम कितना, जल्दी 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 कितना, अरे रेंज मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी, यानी यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितना, 10, तो यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g की वैल्यू कितना, 5,
अरे हाँ ना, अब इसमें कौन सा टेंशन है, फर्जी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक, स्टूडेंट करेगा का, सर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी के वैल्यू दिया इतना। ठीक, अब कहीं और घूमेंगे क्वेश्चन को, क्या हो सकता है भाई। ठीक, हमको पता है यू स्क्वायर बाई जी है, क्लियर, और एच मैक्सिमम की वैल्यू कितना आया, यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जो आर मैक्सिमम 10 तो एच मैक्सिमम 5, क्लियर है ये। ठीक है, चल लिखो इसे। चलिए यहां तक लिख लिए होंगे, है ना। मीनिंग ये कि प्रयास करें कि मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठे, है ना। फिजिक्स का पेपर फील का पेपर है, क्लियर, और मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि आपको पेपर का कंप्लीट फील तो करा ही दो, क्लियर। और कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो इनिशिएटिव आपका होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन वाले पोर्शन में या फिर रिकॉर्डेड पोर्शन में एक सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बच्चे कॉपी और पेन बिना लेके बैठते हैं, क्लियर। अगर जो आप कॉपी और पेन लेके बैठोगे, है ना, तो थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, मेरे साथ साथ तुम क्वेश्चंस बना पाओगे, है ना, क्लियर है। तो फील के साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। दूसरी चीज के इस वाले पोर्शन में थियोरेटिकल बैकग्राउंड जो था, दैट इज बेसिक प्रोजेक्टाइल का, वो मैंने आज एंड किया, क्लियर। अगले वाले क्लास में हम लोग इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, है ना, और कुछ न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट पर काम करना शुरू करेंगे, क्लियर ना। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली जल्द, है ना। ठीक है, ओके।